पीएस ग्रुप के बारे में तो आपने काफ़ी सुना होगा और आईईट कॉलेज तो सभी को पता होगा। आज हम आ चुके हैं आईईट कॉलेज और हाँ, पीएस ग्रुप के को फाउंडर और आईईट के चेयरमैन प्रदीप चोपड़ा जी से बात करवाते हैं। वो ना ही सिर्फ एक टीचर हैं, एक एंटरप्रेन्योर हैं, एक मूवी मेकर हैं, बल्कि वो एक्टर भी हैं, स्क्रिप्ट राइटर भी हैं और उन्होंने गाने भी गाए हैं, तो कहीं ना कहीं वो संगीतकार भी हैं। तो चलिए बात करवाते हैं और उनकी एक नई मूवी आने वाली है शेष जीवन, जो बचा जीवन है उसके बारे में। तो चलिए उनसे पूछते हैं और उन्हीं से बात करवाते हैं कि क्या है इस मूवी के बारे में। देखिए, शेष जीवन हमने इस फिल्म का नाम इसलिए रखा है कि अगर देखा जाए तो हमारा शेष जीवन ही असली जीवन है, क्योंकि जो जीवन गुजर गया वो तो एक सपने की तरह है, वो अब जीवन नहीं रहा। तो आने वाला जीवन ही हमारा असल जीवन है और जो कुछ हम करना चाहते हैं अपने जीवन में, वो सिर्फ आने वाले जीवन में ही, जो बचा हुआ जीवन है या शेष जीवन है उसमें ही वो सब संभव है। देखिए, ये मूवी जो है उसकी सीक्वल है। उस मूवी में वो मिलती है लास्ट में उसकी, ये मूवी उसकी डेथ के बाद की है। उस डेथ के बाद में उसके दादा की कहानी है कि वो अपने सारे एक्सपीरियंस को एक किताब के माध्यम से पब्लिश करते हैं और लॉन्च करते हैं, और फिर वो किताब के जब लोकार्पण होता है तब वो अपनी पुरानी बैकग्राउंड कहानी सुनाते हैं कि क्यों उन्होंने किताब लिखी और किताब लिखने का क्या मकसद था। मूवी आज रिलीज़ हो रही है और वेस्ट बंगाल के 70 हॉलों में हो रही है। आपके घर के पास पता करिएगा, ज़रूर कोई हॉल होगा जिसमें मूवी रिलीज़ हो रही है। जैसा कि आपने सुना ही कि आज वो मूवी रिलीज़ हो गई है और बंगाल में 70 हॉलों में रिलीज़ हुई है, तो हम आशा करेंगे कि आप सब जाकर के देखें। इसी के साथ कैमरा पर्सन सुमन के संग मैं श्रीजा जायसवाल, ताज़ा टीवी कोलकाता।